हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। देखिए, नाम भर से पता चल रहा है पोटेंशियोमीटर क्या होगा, पोटेंशियल को मेजर करने वाला मीटर। तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं पोटेंशियल को मेजर करने वाला मीटर कौन सा होता है, उसे तो हम वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये मीटर जो है वोल्ट मीटर से डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, सबसे पहले हम उसको समझेंगे, फिर हमें पता चलेगा पोटेंशियल मीटर का इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या करता है। देखिए, हम सबसे पहले डिफरेंसेस समझ लेते हैं। मैं यहां पर वोल्ट मीटर लिख देता हूं, ठीक है, और ये है पोटेंशियोमीटर। देखिए, वोल्ट मीटर को काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, करंट की जरूरत पड़ती है, यानी ये जो है थोड़ी सी एनर्जी सर्किट के अंदर से लेता है, ठीक है। तो इट टेक टेक सम करंट करंट फ्रॉम सर्किट टू वर्क। आप देखिए, वोल्ट मीटर के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे तो वोल्ट मीटर के अंदर कॉइल होती है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है। मतलब जब भी हम किसी भी वोल्ट मीटर को किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तब उस सर्किट के अंदर से वोल्ट मीटर थोड़ा सा करंट एब्जॉर्ब करता है, वो करंट उस कॉइल के अंदर से पास होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब जितना ज्यादा करंट अगर वोल्ट मीटर एब्जॉर्ब कर रहा है सर्किट के अंदर से, उतना ज्यादा हमें वहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जो हमारे डायलर के अंदर रीडिंग हो जाती है वोल्ट मीटर के, ठीक है। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वो सर्किट के अंदर से कोई करंट नहीं लेता, इस वजह से वो हमेशा सर्किट के ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दैट इट डज नॉट ड्रॉन एनी करंट फ्रॉम सर्किट, क्लियर। सो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऑफ अ सर्किट, क्लियर। तो हमेशा ओरिजिनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कौन, पोटेंशियोमीटर, राइट। देखिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, असल में हम पोटेंशियोमीटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कभी भी हमें जब सर्किट के अंदर बहुत एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो या पोटेंशियल को मेजर करना हो, तब हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम सेकेंड एक्सक्यूज क्या दे सकते हैं, दैट इट मेजर पोटेंशियल मोर एक्यूरेटली, राइट। तो मोर एक्यूरेटली ये पोटेंशियल को मेजर करता है, जबकि यहां पर क्या होता है, बहुत एक्यूरेट रीजन नहीं आती। तो इट इज लेस एक्यूरेट देन पोटेंशियोमीटर, राइट। देखिए, अब ये वोल्ट मीटर जो होता है वो साइज में स्मॉल होता है, ठीक है, और कन्वीनियंट यूज होता है, राइट। इसे इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर जो है साइज में बड़ा होता है और कन्वीनियंट यूज नहीं होता है। लेकिन इसके अपने एक अलग एप्लीकेशंस हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर के अंदर हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है। तो अभी हमने देखा उस तरह से पोटेंशियोमीटर ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये पहला एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन आप देखेंगे तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द कंपेरिजन ऑफ टू सेल, राइट। कंपेरिजन ऑफ सेल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपको एक सेल का ईएमएफ पता होता है और उस स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ से आप किसी दूसरे सेल या अननोन सेल के ईएमएफ को फाइंड कर लेते हैं, इसे कहते हैं कंपेरिजन ऑफ सेल्स, क्लियर। तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, विच इज कंपेरिजन ऑफ सेल्स। मैं यहां पर लिखते जाता हूं, देखिए, एप्लीकेशंस में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज फर्स्ट।
व्हिच इज इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, राइट। तो सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, राइट। किसी भी दो सेल्स के बीच में ईएमएफ को कंपैरिजन के लिए हम इसका एप्लीकेशन या यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया उस तरह से कि किसी एक सेल का ईएमएफ पता होता है और उसके ऊपर से आप किसी दूसरे सेल के अननोन ईएमएफ को फाइंड करते हैं। तीसरा देखिए, इट इज यूज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, राइट। तो ये हमें ये तीन एप्लीकेशन जो है ये पोटेंशियोमीटर की बहुत मेजर एप्लीकेशन है, राइट। इस तरह आप देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टेज को पोटेंशियल को कंट्रोल करता है और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से पोटेंशियोमीटर के बहुत दूसरे वाइड एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम पोटेंशियोमीटर से स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम पीएच मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो है ये पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा डिटेल में, क्लियर। पहले पोटेंशियोमीटर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, राइट, एक्यूरेटली। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन, आप कह सकते हैं। अब देखिए हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, आप यहां पर देखेंगे, ये हम अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं इसका, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए, यहां से एक वायर जाता है, ठीक है। ये वायर गया इस टर्मिनल पर, ठीक है। अब ये टर्मिनल यहां से यहां तक का टर्मिनल की वायर की लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, और वो एक स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड होती है, और वहां से ये जो है दूसरे एंड पर आता है, राइट। ये जो है दूसरे एंड पर आता है इस तरह से, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक वापस दूसरा 100 होगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे तो मैं इधर से एक वायर गया होता है, राइट, वो दूसरे स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड होता है, और इसी तरह से आपको यहां पर ऐसे वायर स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये होगा यहां से 100, राइट, सॉरी 0 से 100, ये 0, 0 से 100, राइट, फिर यहां पर 200, ठीक है, और यहां पर 300, और ये होगा 400। इस तरह से 400 सेंटीमीटर का वायर होता है जिससे आप 4 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस टर्मिनल को मैं नाम देता हूं ए, ठीक है, और ये टर्मिनल मेरे लिए बी है। तो आपको यहां पर देखने मिलेगा जैसे ए टर्मिनल जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे वो बैटरी जो है वो की से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमें रियो स्टेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रियो स्टेट है, ठीक है,
रियोस्टेट यानी क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये की के है हमारे पास, ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है, और यहां पर हमें वायर का टर्मिनल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 400 सेंटीमीटर लंबा वायर है हमारे पास। अब 400 सेंटीमीटर जो लंबा वायर है, 100 100 100 100 यानी 400 हुए, यानी 4 मीटर लंबा वायर है, ठीक है। अब आप ये जो है पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट हुई, ठीक है। अब चलिए प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसके प्रिंसिपल की बात। देखिए यहां पे प्रिंसिपल आपको क्या पता चलेगा, देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है, वर्किंग प्रिंसिपल जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले दैट एट कॉन्स्टेंट सर्किट और इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कंपोजिशन देन पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ अ वायर एट एनी गिवन लेंथ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दैट लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस चीज को हम यहां पर समझेंगे। मान लीजिए ये जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, इसे आप कनेक्ट करेंगे एक वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर जो है वो जॉकी से कनेक्टेड है, राइट। ये जो है जॉकी यानी कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट, जो इस वायर के ऊपर ग्लाइड करेगा, ठीक है। हम इस पॉइंट से चलेंगे और ये जॉकी यहां से ऐसे ग्लाइड करेगा वायर के ऊपर, राइट। इस वजह से हम कहेंगे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तब उस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए उस पॉइंट पर आप सिंपली क्या कहेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप इज वी इज इक्वल टू आई आर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज आर फॉर यू, इट इज आई इंटू आर इज रो एल बाई ए। तो यहां पर जो आपने वायर लिया है उस वायर में एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है। एरिया कैसी है, यूनिफॉर्म एरिया, मतलब सारे वायर की एरिया एक जैसी है। और रेजिस्टिविटी जो है वो भी कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह आपको रेजिस्टिविटी रो ही कॉमन देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, मतलब आई भी कांस्टेंट है। तो ये आई रो और ए सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसे हम सिंपली क्या लिखेंगे, इसे हम कांस्टेंट यानी के रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। आई रो और ए इन सबको मिलाकर मैं के रिप्रेजेंट कर दूंगा। सो यहां पर इनटू एल मिलेगा। तो ये आपको देखिए क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इज इक्वल टू के इनटू एल आया ना। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आया। अब आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कंपोजिशन, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ अ वायर एट एनी गिवन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप, दिस पोटेंशियल ड्रॉप वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल है, ये हमें यहां पर पता चलता है, एंड विच इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलिए अब इसे हम रब कर लेंगे और समझेंगे किस तरह से ये काम करता है।
राइट। तो हमें यहां पर प्रिंसिपल पता चल गया है, आपको ये प्रिंसिपल समझ के रखना है, दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ ऑफ वायर, क्लियर। चलिए तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। चलिए अभी आपने देखा कि हमें क्या पता चला, V इज इक्वल टू K इंटू L पता चला है, वेर K, वेर K इज इक्वल टू है I इंटू रो इन बाय A, राइट। तो ये आपके लिए कांस्टेंट है, राइट। तो यहां पर एक और क्वांटिटी आपको पता चलती है जिसे आप कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए किसे कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑल्सो करके मैं यहां पर लिख देता हूं, K इज इक्वल टू इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, V बाई L। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, राइट। सो दिस इज एन पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, राइट, विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। सो इसे, इस क्वांटिटी को आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे, राइट right? चलिए तो ये आपको याद रखना है कि K इज इक्वल टू क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई L, जिसकी यूनिट SI यूनिट जो आप लिखे हैं, तो आपके ऐसा इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की SI यूनिट क्या होगी, इट इज न्यूटन मीटर पर, दिस इज नहीं वोल्ट है ना, हाँ तो इसे वोल्ट बाय मीटर, राइट। ये आपके पास वोल्ट है तो इसका यूनिट, तो ये वोल्टेज है तो वोल्ट बाय मीटर आपका SI यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। और यहां पर हमने देखा पोटेंशियोमीटर क्या होता है।